हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक पॉपुलर थाई ड्रामा के बारे में जिसका नाम है माय फॉरएवर सनशाइन। इस शो में आपको देखने को मिलेगा कॉमेडी, रोमांस, फ्रेंडशिप और मेलोड्रामा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले एपिसोड की तरफ। अर्थित, जो शो का मेन हीरो है, एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसके तीन फ्रेंड्स हैं, थनॉन, कोड और लिंग। इन चारों का एक ग्रुप है और ये सब साथ में ही बैंकॉक के कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज में रग्बी का एक प्रैक्टिस मैच चल रहा होता है जिसमें अर्थित और थनॉन पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों ही ट्राई आउट पास कर लेते हैं। अर्थित टीम का बेस्ट प्लेयर होता है। ट्राई आउट पास करने की खुशी में चारों रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और उसके बाद वे लोग डिस्कस करते हैं कि अब कहाँ जाएं। तो अर्थित काम का कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। तो अब एंट्री होती है शो की हीरोइन की, जिसका नाम है वन फमाई, और सब लोग उसको पैंग बुलाते हैं। पैंग एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। पैंग एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और घर की इकलौती लड़की होने की वजह से बहुत जिद्दी और झगड़ालू है। उसके इस नेचर की वजह से कोई उससे दोस्ती नहीं करता। ये सब के साथ झगड़ा करती है। इन्हीं झगड़ों की वजह से पैंग का दो बार स्कूल से ट्रांसफर भी हो चुका है। इस बार फिर से पैंग स्कूल के बाहर कुछ लड़कियों के साथ झगड़ा करती है जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। तभी वहां पर अर्थित आ जाता है तो पैंग को रोकने की कोशिश करता है, पर पैंग उसकी बात नहीं मानती और उसे अपने स्कूल बैग से हिट करके वहां से भाग जाती है। ये सब ड्राइवर ने देख लिया था। तभी वह पैंग से पूछता है कि वह लड़का कौन था, तो पैंग कहती है कि उसे नहीं पता। वह ड्राइवर से पापा को कुछ भी बताने के लिए मना करती है। ये है जैम, जो पैंग की मेड है। पैंग की ऐसी कंडीशन देखकर जैम समझ जाती है कि आज फिर से स्कूल से झगड़ा करके आई है। वह उसके घाव पर दवा लगाते हुए उसे समझाती है कि स्कूल में अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, और तो इस पर पैंग कहती है कि मैं अमीर हूँ इसीलिए वो लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, इससे बेटर है कि फ्रेंड्स ही ना हो। तभी उसे उसके पापा की कार की आवाज़ सुनाई देती है और वह घबरा कर वहाँ से छुप जाती है ताकि उसके पापा को ये ना पता चला कि वह झगड़ा करके आई है। ये है इयोंग, पैंग की दूसरी मेड। वह रूम की सफाई कर रही होती है तभी पैंग वहाँ आकर छुप जाती है। पैंग के पापा थेराथेप इयोंग से पूछते हैं कि उनकी शैतान लड़की कहाँ है, तो इयोंग मना कर देती है कि वह यहाँ नहीं है, पर उसके पापा समझ जाते हैं कि वह यहीं है तो वहाँ से जाने की एक्टिंग करते हैं। अब पैंग बाहर आती है तो उसके पापा वहीं बैठे होते हैं। उन्हें देखकर वह अपना गांव छुपा लेती है, पर उसके पापा को पता चल ही जाता है कि वह फिर से झगड़ा करके आई है। उसके पापा उसे समझाते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, अच्छे लोगों से मिलो और उनसे दोस्ती करो। पैंग के पापा उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं पर देने से मना करते हैं, तो इस पर पैंग गिफ्ट उठा लेती है और प्रॉमिस करती है कि वह दोबारा झगड़ा नहीं करेगी। फिर वह अपनी माँ के बारे में पूछती है तो वह बाहर जॉगिंग कर रही होती हैं और एक हैप्पी फैमिली मोमेंट क्रिएट हो जाता है। लिंग और कोट पार्क में बैठे हुए बातें करते हैं और तभी अर्थित और थेनॉन दोनों लिंग के लिए जूस लाते हैं। लिंग अर्थित वाला जूस ले लेती है और कोट थेनॉन वाला। लिंग के वॉशरूम जाने के बाद कोट उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों एग्रीमेंट भूल गए हो क्या कि नो डेटिंग विद फ्रेंड्स। इस पर वे दोनों कहते हैं कि नहीं, हम तो बस ध्यान रख रहे थे। उधर पैंग के फादर पैंग को साथ में बैठकर डिनर करने के लिए कहते हैं तो पैंग फिर से अपनी मदर के बारे में पूछती है, पर उसके फादर कहते हैं कि वह घर पर नहीं है और पार्टी में गई हुई है। पार्टी में पैंग की मम्मी अपनी बेटी का लड़ाई वाला वीडियो देख लेती है और अपने फ्रेंड्स के सामने एम्बेरस फील करती है। पैंग अपनी मम्मी को फोन करती है तो वह उसका फोन नहीं उठाती। अब पैंग अपनी मम्मी को पार्टी से वापस बुलाने के लिए एक डांस बार में जाने का प्लान बनाती है और इयोंग को साथ लेकर जाती है। उधर अर्थित के फ्रेंड्स थनॉन और कोट उसके रूम पर आते हैं और उससे कहीं बाहर चलने के लिए कहते हैं। पहले तो अर्थित जाने से मना कर देता है, फिर मान जाता है, और वो लोग जैसे ही जाने के लिए तैयार होते हैं अर्थित को एक फोन आता है। फिर कोट अर्थित और थनॉन को उसी बार में दिखाया जाता है जहाँ पैंग और इयोंग होती है। अर्थित पैंग पर नजर रखता है पर पैंग को ये नहीं पता होता कि अर्थित भी वहाँ पर है। बार में पैंग शराब की बोतल और कुछ लड़कों के साथ फोटो क्लिक कराती है और अपनी मम्मी को भेज देती है, जिस पर उसकी मम्मी का कोई रिप्लाई नहीं आता। बार में फिर वही लड़के उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे पिलाने की कोशिश करते हैं। अर्थित यह सब देख रहा होता है और पैंग को ड्रिंक पीने से रोक देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्थित को किसने बताया कि पैंग बार में है, तो वह पर्सन है इयोंग। अर्थित उन लोगों से झगड़ा करने लगता है और थनॉन और कोट भी अर्थित की मदद के लिए आ जाते हैं। ओके, तो झगड़े के बाद सबको पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ उसके मम्मी आकर पैंग को ले जाती है और अर्थित को थैंक यू बोलती है। घर पर जैम इयोंग को डांटती है कि वह किसी को बिना बताए पैंग के साथ बाहर क्यों गई। उसके बाद इयोंग सबसे माफी मांगने लगती है। पैंग के पापा और अर्थित को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ वे अर्थित को पैसे देते हुए कहते हैं कि फाइन के पैसे रख लो, मेरी वजह से तुम मुश्किल में पड़े क्योंकि मैंने ही तुम्हें पैंग पर नजर रखने के लिए कहा था। पहले तो अर्थित पैसे लेने से मना करता है पर बाद में वह रख लेता है। पैंग स्कूल जा रही होती है और गेट तक जाकर वापस आने की कोशिश करती है तो अर्थित को अपने सामने खड़ा देखती है।
पहले तो अर्थी तो उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे स्कूल के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, पर पैंग नहीं मानती तो इसीलिए वह उसको समझाता है और वह स्कूल चली जाती है। अर्थित अपने कॉलेज चला जाता है। पैंग स्कूल से बिना झगड़ा किए वापस आती है तो उसकी मेड शॉक हो जाती है। घर पर मम्मी पापा नहीं होते इसीलिए अकेले ही खाना खाती है। अब शो में अर्थित की फैमिली को दिखाया गया है जो एक गांव में रहती है, जहां उसके पापा प्रदीप एक फार्म चलाते हैं जिसका नाम है सनलाइट फार्म। अर्थित कॉलेज के बाद अपने घर चला जाता है और उसकी फैमिली उसे देखकर बहुत खुश होती है। सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अर्थित की फैमिली को एक हैप्पी फैमिली दिखाया गया है। अर्थित अपने फार्म में घूमता है और वर्कर्स के साथ खेलता भी है, फिर वापस बैंकॉक चला जाता है। इधर पैंग अकेले शॉपिंग कर रही होती है। वह घर आकर अपने मम्मी पापा को साथ लाने के लिए एक प्लान बनाती है। वह उन दोनों के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान करती है और एक बेबी की डिमांड भी करती है। उधर अर्थित को कॉलेज में उसकी मदर का फोन आता है। वह उसे बताती है कि उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट है। अर्थित तभी कॉलेज से निकलकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसकी मम्मी उसे बताती है कि ज्यादा टेंशन लेने की वजह से उसके पापा बेहोश हो गए थे। अर्थित टेंशन की वजह पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि उसके पार्टनर सोंगथम ने धोखा दिया, अब वह फार्म उनका नहीं है। अर्थित अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, सुबह साथ में घर जाएंगे। इधर पैंग मॉर्निंग में अपने पापा से अपनी मम्मी के बारे में पूछती है तो उसके पापा बताते हैं कि वह कल रात ही एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। यह सुनकर पैंग को गुस्सा आ जाता है और उसके पापा उसे मनाने के लिए कहते हैं कि हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। उधर अर्थित अपने पापा को हॉस्पिटल से घर लाता है और वह दोनों फार्म में बैठकर बातें करते हैं कि यह फार्म उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया है, पर अब यह उनका नहीं रहेगा। तभी वहाँ पर सोमथंग का वकील आ जाता है कुछ गुंडों के साथ। अर्थित उनसे झगड़ा करके अपने फार्म वर्कर के साथ मिलकर उनको भगा देता है। तभी वहाँ पर पैंग और उसके फादर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पता चलेगा कि अर्थित और पैंग के फादर आपस में अच्छे दोस्त हैं। सब लोग अंदर जाकर बातें करते हैं। फिर अर्थित और पैंग के बचपन की बातें भी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अर्थित पैंग को फार्म घुमाने के लिए ले जाता है। अब दोनों के फादर प्रदीप और थेनाथ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फार्म वापस पाने के लिए अर्थित के पापा को बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे जो उनके पास नहीं है, तो पैंग के फादर उनको पैसे उधार दे देते हैं और सोंगथंग के वकील को बुलाकर वहीं डील फाइनल कर देते हैं। प्रदीप थेनाथ को थैंक यू बोलता है उनकी मदद करने के लिए। अर्थित फार्म में पैंग के साथ थोड़ी मस्ती करता है और उससे कहता है कि फ्रेंड्स बनाओ, अपनी बातें उनसे शेयर करो, तो वह कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। इस पर अर्थित कहता है कि वह उसका पहला फ्रेंड बनेगा। पैंग खुश हो जाती है। फिर सब लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं। डिनर करते हुए अर्थित की मदर बोलती है कि अर्थित को एक बहन चाहिए थी, तो अब वह उसको पैंग जैसी बहन मिल गई है। बहन? सीरियसली? अर्थित पैंग को अपनी छोटी बहन मानता था। देखते हैं आगे क्या होता है। रात को पैंग और उसके फादर वहीं रुक जाते हैं। पैंग के पापा उससे पूछते हैं कि उसे यहाँ आकर कैसा लगा, तो पैंग कहती है कि उसे बहुत अच्छा लगा। अर्थित के मम्मी पापा उसे बताते हैं कि पैंग के पापा ने उनकी मदद की है, आगे जब भी कभी उनकी मदद की जरूरत पड़े तो हम लोग उनकी मदद जरूर करेंगे। अब ये है नैंग, थेनॉन की सिस्टर। थेनॉन की फैमिली भी विलेज में रहती है और उसके पापा एक रिसोर्ट चलाते हैं। नैंग अर्थित को पसंद करती है। नैंग स्वीट्स बनाकर ले जा रही होती है, तभी कोर्ट से उसकी टक्कर हो जाती है और सारी स्वीट्स नीचे गिर जाती हैं। थेनॉन कोर्ट और लिंग को घर लाकर अपने मम्मी पापा से मिलवाता है। थेनॉन के पेरेंट्स उनके आने की वजह पूछते हैं, तो इस पर थेनॉन कहता है कि अर्थित के पापा बीमार हैं तो हम सब उन्हें ही देखने के लिए आए हैं। ज्यादा बिजी होने की वजह से थेनॉन के पेरेंट्स को इस बात का पता नहीं चलता, तो नैंग कहती है कि आपके बिहाफ पर मैं उनसे मिलने के लिए चली जाऊंगी। उसके बाद अर्थित के फ्रेंड्स और नैंग अर्थित के घर पर आते हैं। अर्थित के पेरेंट्स सबको डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं। डिनर में अभी टाइम होता है तो वे सब लोग वॉक करने के लिए बाहर आ जाते हैं। वॉक करते हुए अर्थित सिर्फ लिंग की बातों पर ध्यान देता है, नैंग पर नहीं, तो नैंग लिंग को टांग अड़ाकर गिरा देती है और कहती है कि गलती से हुआ। तभी वहाँ पर पैंग आकर कहती है कि नैंग ने ही जानबूझकर उसे गिराया है और ये उसने देखा है। इस पर लिंग कहती है कि कोई बात नहीं, एक एक्सीडेंट था। फिर पैंग अर्थित से कहती है कि वह बैंकॉक वापस जा रही है, तो अर्थित उसे सी ऑफ करने के लिए चला जाता है। नैंग बिछड़कर अपने घर चली जाती है। रास्ते में पैंग अर्थित से पूछती है कि क्या लिंग उसकी गर्लफ्रेंड है, पर अर्थित मना कर देता है कि बस फ्रेंड है। फिर वह नैंग के बारे में पूछती है तो अर्थित कहता है कि वह थेनॉन की सिस्टर है और उसे उल्टा सीधा सोचने से मना करता है। पैंग को छोड़ने के बाद अर्थित वापस अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है और मस्ती शुरू कर देता है। पैंग अपने पापा के साथ वापस घर आ जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मी भी होती है। वह अपनी मम्मी से गुस्सा होती होती उसकी मम्मी मनाने की कोशिश करती है। उसकी मम्मी दो सेम ब्रेसलेट लेकर आती है, तो एक वो पैंग को पहनाती है और दूसरा खुद पहन लेती है और पैंग से प्रॉमिस करती है कि वह कल साथ में बैठकर खाना खाएंगे। नेक्स्ट डे पैंग स्कूल से वापस आ रही होती है तो उसकी मम्मी का मैसेज आता है कि वह बिजी है। तभी पैंग ड्राइवर को फोन करके पता करती है कि उसकी मम्मी कौन से होटल में है। वह उसी होटल में पहुंच जाती है और तमाशा खड़ा करती है। तभी उसकी मम्मी उसे होटल से बाहर लाती है और कार में बैठकर उसे डांटती है।
पैंग रोते हुए कहती है कि आपको अपने फ्रेंड्स की चिंता है, मेरी नहीं। उसकी मम्मी फिर से डांटती है तो वह रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसकी मम्मी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वह नहीं रुकती। पैंग के पापा उसकी मम्मी को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि पैंग घर नहीं आई, क्या वह तुम्हारे साथ है। तब वह उसे सब बताती है और उसके फ्रेंड्स को फोन करने के लिए कहती है और खुद भी उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। पैंग के पापा अर्थित को फोन करते हैं और उससे पैंग को ढूंढने के लिए कहते हैं। अर्थित उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। पैंग किसी का फोन नहीं उठाती पर अर्थित का फोन उठा लेती है और उसको बताती है कि वह एक बिल्डिंग की छत पर है। अर्थित उसकी बताई जगह पर पहुंच जाता है पर वहां पैंग नहीं मिलती, बस उसका स्कूल बैग वहां मिलता है। वह डर जाता है और सोचता है कि कहीं बिल्डिंग से नीचे कूदकर सुसाइड तो नहीं कर ली, पर ऐसा नहीं होता है। पैंग वहां पर आ जाती है। अर्थित उससे पूछता है कि बैग ऐसे छोड़कर कहां चली गई थी, तो वह कहती है कि उसे भूख लगी थी तो कुछ खाने के लिए कुछ लेने के लिए गई थी। अर्थित पैंग के पापा को कॉल करके बताता है कि वह उसे मिल गई है, वह उसका ध्यान रखेगा। अर्थित उसे समझाता है कि सब लोग उसके लिए बहुत परेशान हैं, तो वह कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर पैंग घर जाने से मना करती है और रोते हुए कहती है कि उसकी मम्मी के साथ उसका झगड़ा हो गया है और गलती भी उसकी मम्मी की है। तो अर्थित उसे फोर्स नहीं करता और उसे खाना खाने के लिए कहता है। एपिसोड 1 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।